नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसएन न्यूज हैदराबाद। अहमदनगर डिवीजन गवर्नमेंट बॉयज स्कूल फर्स्ट लांसर में बेफेलोस की गंदगी की वजह से आने वाले बच्चों को बदबू यानी बैड स्मेल का सामना करना पड़ रहा, जिससे बच्चे लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं। कितने बार बल्दिया कमिश्नर को कंप्लेंट देने के बावजूद भी इस गंदगी का मसले को हल नहीं किया गया। इंचार्ज हेडमास्टर ने मीडिया के जरिए अपनी तकलीफ को बयान किया। इस गंदगी की वजह से कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल डाला और इस बेफेलोस की गंदगी की वजह से यहाँ पे डेंगू के मच्छर पहलने के आसार है। साथ में जीएचएमसी कमिश्नर को कहा, यहाँ पे जो बफेलोस को बना जाता है उसको रोककर स्कूल को और बच्चों की हिफाजत करें। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फेरोज खान की रिपोर्ट। पानी में जमे हुए देखे मुख्य अच्छा पूरा गोबर का गंदगी अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा तकीउद्दीन अहमद, हेडमास्टर इंचार्ज हेडमास्टर जीबीएचएस फर्स्ट लांसर। इससे पहले भी यहाँ पर भैंस वगैरह बंधे जाते थे और पहले मुझसे पहले जो एचएम थे वो कमिश्नर बल्दिया को रिपोर्ट दिए थे कि यहाँ गंदगी होने की वजह से बहुत सारे मच्छर और 300 से 350 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं प्राइमरी के और हाई स्कूल के। अब जो डेंगू चल रहा है इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को डेंगू के बुखार में मुब्तला हैं। दोपहर का मिड डे मील्स भी हमारे पास दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गोबर वगैरह की बदबू की वजह से बच्चे भी आना नहीं चाह रहे हैं। पेरेंट्स भी कई मरतबे शिकायत कर चुके हैं कि ये बदबू क्या है यहाँ पर, आप लोग क्यों इसके एग्ज़ाम क्यों नहीं करते। तो इससे पहले कमिश्नर बल्दिया को भी एक लेटर लिखा गया था, लेकिन उससे कोई यानी उसका एक्शन नहीं लिया गया। तो हम चाहते हैं कि ये तमाम गंदगी अगर हट गई तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है और स्कूल में बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, अक्सर बीमार हो रहे हैं, तो वो बच्चे भी वो रेगुलर आना शुरू करेंगे। और हम यहाँ तक के स्कूल जैसा ही ख़त्म हो जाता है, भैंसे यहीं नहीं बल्कि स्कूल के अंदर भी आ जाते हैं। तो लिहाजा हम आप सब से गुजारिश करते हैं कि किससे है ये, जीएचएमसी के कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरन इसकी तरफ रुझान करें और इसका कुछ ना कुछ इकदाम करें तो मेहरबानी होगी।